हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे ALP CBT 2 का रिवाइज रिजल्ट कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होने वाला था, तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अभी हाल में एक लिंक जो इनेबल हुआ है, जो RRB ALP का लिंक है, उसके ऊपर एक लॉगिन के इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उस पर लिखा हुआ है कि 27th को शाम को 6 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं उस लिंक को आपके सामने ओपन करूंगा, वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये RRB ALP CBT 2 का रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जहाँ पर आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि ALP की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट आपके साथ, ALP 2 CBT 2 का रिजल्ट कब आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ और उसकी डेट भी आपको पता चल जाएगी। तो आपको करना क्या है, मैं आपके साथ एक लिंक पे ले जाता हूँ जो ALP CBT 2 का है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आपको उस लिंक पे जाना है और आप खुद देखोगे कि उसके ऊपर डेट का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक लिंक ओपन कर रखा है, तो आप देख सकते हो लिंक पे लिखा है RRBALPDigiALM.com। तो बेसिकली जो RRB, आपको पता है कि जो RRBALP का जो एग्ज़ाम है उसको बेसिकली TCS कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है और उस कंपनी में ऑर्गेनाइज करती है। तो TCS जो भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है, जिसको TCS IUN के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट URL से डिफरेंट चीज़ों की, जैसे कि अगर सपोज़ कि उन्होंने CAT का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया, तो वो डालते हैं cdn.dglm.com। RRBALP का अगर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो लिखते हैं RRBALP.dglm.com। तो एक लिंक है जी, बेसिकली ये वो लिंक है जिसमें लास्ट टाइम हमने जब साइको टेस्ट का एडमिट उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो उस टाइम उन्होंने जो लिंक इनेबल किया था, तो वो लिंक सेम लिंक है। तो अगर उस पे, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 27/04/2019 18 आवर्स टू 10/05/2019 23 आवर्स 55 मिनट। तो इस लिंक से उन्होंने ये रखा है। तो बेसिकली क्या करती है कंपनीज की, RRB से कन्फर्मेशन लेते हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर करते हैं, तो बेसिकली वो पहले से एक पेज बना लेते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि DGLM नाम से RRB के बहुत सारे आपको डोमेन नेम मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, और उसके बाहर का जो नाम होता है वो उसका बेसिकली प्रीफिक्स होता है। तो उसमें डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं, जो आपके सामने जो दिख रहा है ई फॉर्म लॉगिन एक्शन वाला, ये ई फॉर्म होता है जिसके अंदर आप करोगे तो इस लिंक को जाओगे। अगर आप किसी दूसरे पेज को डालोगे तो बेसिकली डिफरेंट पेजेस होते हैं जिन पे डिफरेंट चीज़ें होती है। तो अगर आप किसी भी पेज को ओपन करोगे तो उस पेज पे जो लिखा हुआ कंटेंट है वो आपके सामने दिखाई देगा। तो इस पे उन्होंने क्या करते हैं कि वो सेफर साइड, जब से उनको लगता है कि RRBALP को रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो पहले से वो पेज बना लेते हैं और वो अपनी साइट पर एक्टिव कर देते हैं। तो ये काम करती है TCS IUN, और जब RRB उनको फाइनल कन्फर्मेशन देते हैं तो वो लिंक को इनेबल कर देते हैं। तो अभी TCS कंपनी का जो DGALM का जो TCS IUN है, उन्होंने ये नया लॉगिन पेज एक्टिवेट किया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लॉगिन फॉर्म विल बी अवेलेबल बिटवीन 27/04 टू की जो 27 अप्रैल को शाम को 6 बजे लॉगिन का पेज इनेबल हो जाएगा। मतलब इस पे बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन RRB का कोई उसके उनसे पहले RRB उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है, जिससे RRB ये बताता है कि आज के दिन रिजल्ट डिक्लेयर करना है या नहीं, या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो बेसिकली वो इस लिंक का डेट पोस्टपोन कर देता है। जैसे कि अगर आप इस लिंक को, अगर आपने इसको शाम को 3 बजे आज के दिन खोला होता, तो ये बताता कि शाम को 4 बजे यहाँ पे 16 आवर्स लिखा होता, जहाँ पे 27/04/18 आवर्स लिखा हुआ है वहाँ पे 16 आवर्स लिखा हुआ था, अब इसमें 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। तो बेसिकली लिंक तो ओरिजिनल है जिस पे ये रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, लेकिन इस लिंक में रिजल्ट डिक्लेयर तभी होगा जब RRB अपना फाइनल कंफर्मेशन देगा। तो इस पे काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि 4 बजे आने वाला है, जैसे अगर आपको देखोगे अगर ये 6 बजे नहीं हुआ तो ये फिर 2 घंटे इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये पेज है जो TCS कंपनी पहले से बना चुकी होती है और वो RRB की कंफर्मेशन के हिसाब से है। तो जब ये पेज क्रिएट हो गया, तो दोस्तों ये मान के चलो कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमारी ये स्पेकुलेशन के अंदर, जैसे कि 28 तारीख तक रिजल्ट या 27 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें होता क्या है कि जब पेज बनता है तो उसके 1-2 दिन में पक्का रिजल्ट आने वाला होगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ पक्का ये रिजल्ट शेयर करूंगा। अगर आपको इस चीज का प्रूफ देखना है कि ये लिंक ओरिजिनल है या नहीं है, तो मैं आपको इसके कुछ प्रूफ्स दिखाता हूं। तो इस चीज के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है। वहाँ पे सर्च करना है DGLM RRBALP। जैसे आप इस चीज़ को सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट पेजेस आपके सामने ओपन होंगे। तो इन पेजेस में मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप इस लिंक, ये जो डोमेन नेम होता है वो लगभग सभी लिंक का सेम होता है, सिर्फ जो डिफरेंट होता है वो बाकी के पीछे के फॉर्म्स होते हैं। तो जो डिफरेंट जैसे कि कुछ हेल्प डेस्क के होते हैं, अगर हेल्प डेस्क वाले पे क्लिक करोगे तो हेल्प डेस्क का, दोस्तों पहले वाला लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्वेरी पे ले जाएगा, दूसरे वाले पे ले जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस
वाले पे ले जाएगा, तीसरे वाले ले जाओगे तो लॉग इन एक्शन पे ले जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं जिन पे ये इंस्ट्रक्शन का पेज है, ये लॉग इन एक्शन का पेज है। उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला फॉर्म जिसे लॉग इन पेज जिसपे अपना रिजल्ट देखा जाता है, ये वो वाला पेज है ई फॉर्म वाले। तो इस पे अगर आप लॉग इन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं। जैसे अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपको जो क्वेरी रेज करने का था एएलपी का, उस वाले पेज पे लेके जाएगा कि आपको एएलपी की क्वेरी रेज करने का था। इसी प्रकार से जब आप दूसरे पे इस पे ले जाओगे लॉग इन एक्शन डेट एक्सपायर्ड वाले पे, तो ये आपको वो लिंक दिखाएगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो है तो ऑफिशियल आरआरबी एएलपी का, जो टीसीएस कंपनी ने जो ऑर्गेनाइज करती है वो है। लेकिन इस लिंक पे वो बेसिकली क्या करते हैं, पहले से बना के रखते हैं और उनको आरआरबी का कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो ये तो था इसका क्रेडेंशियलिटी और क्रेडिबिलिटी की कितना सही है और कितना गलत है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे अगर किसी ने कैट का एग्जाम दिया हो तो देखो cdn.tgalm.com, तो अभी किसी भी आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है या किसी आरआरबी ने ये नहीं बोला है कि रिजल्ट इस दिन आएगा। तो आप जो लोग फेक लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली वो लोग दूसरे लिंक पे आप ट्रस्ट ना करें, मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा। और जो लेकिन जो ये लिंक आपके सामने है, ये बेसिकली लिंक इनेबल कर दिया है जो कंपनियां पहले बना लेती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। जैसे एएलपी सीवीटी2 का रिजल्ट आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।